हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी ये कंपनी का प्रिंटर है, कैनन का, ये 2010 मॉडल है, अगर इसके ये प्रिंटर तो अभी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इससे, तो ये प्रिंटर बेस्ट है। तो इसका जो इंक है ना, इंक का छाई, इंक की पैप में से छाई निकल जाता है। इसी को सेट करने के लिए हमें एक आसान तरीका है सेट करने का, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा जैसे ना प्रिंटिंग प्रेस है, हम जहाँ पर शादी कार्ड, बिल बुक, फ्लैक्स बैनर सभी प्रिंटिंग करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। अगर आपने भी कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना हो या प्रिंट कराना, तो हमें कॉन्टेक्ट करें, ठीक है जी। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से भी आपको वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं इस प्रिंटर की, ठीक है। इसमें कभी कभी संतरी लाइट आने लगती है, तो ना ही तो फिर ये आपका ब्लैक प्रिंट निकलता है, ना ही कलर प्रिंट निकलता है। तो एक सिंपल तरीका है, जिससे ये अगर आपकी संतरी लाइट भी आती होगी तो वो भी गैप हो जाएगी, तो आपका प्रिंटर अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा। तो अगर पाइप में इंक नहीं है तो तब भी जे दोनों के प्रोसीजर एक ही है, तो आपका प्रिंटर ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जी प्रिंटर ऑफ किया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जे वाला जो बटन है ना, स्टॉप वाला, इसको ऐसे दबा के रखना है, ठीक है। तो ये जो है पावर वाला बटन, इसको भी दबा देना है, इकट्ठे को दबा देना है, ठीक है ना। पहले स्टॉप का बटन दबाना है, फिर ये पावर का बटन दबाना है, दबा के दोनों को रखना है। फिर ये जो स्टॉप का बटन है, इसको एक बार उठाना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच करके दोनों को छोड़ देना है। फिर आप 10 मिनट इसको ऐसे ही रहने दें, तो आपका जो प्रिंटर है वर्क करने लगेगा। और 10 मिनट के बाद देखना, जो आपका जो इंक की छाही है, ये भी आपकी सेट हो जाएगी, जो आपकी ये संतरी सी लाइट ब्लिंकिंग करती है, ये भी सेट हो जाएगी, तो आपका प्रिंटर वर्क करने लगेगा। मान लो अगर देख करने के बाद आपका नहीं ठीक होता, आपने फिर प्रिंटर को ऑफ कर लो, फिर दोबारा आपने यही करना है, इसको दबाना है, इसको ऐसे पावर को दबाना है। तो दबाने के बाद दोनों को ही फिर आपने एक दो तीन चार पांच बारी करके छोड़ देना है, फिर आपने 10 मिनट वेट करना है, ठीक है ना। ऐसे दो तीन बारी जब करते जाओगे ना, तो आपकी पाइप की इंक है वो भी उसमें चले जाएगी, सेट हो जाएगी पाइप में। अगर ब्लिंकिंग लाइट करती है तो तब भी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और आगे से भी मैं कोई वीडियो होगी तो मैं आपको अच्छी जानकारी देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। गुड बाय।